हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं यूडियोमेट्री। सही है। तो है क्या ये कॉन्सेप्ट्स? पहले तो ये समझिए, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ मोल, एंड बाय दिस मेथड वी कैन डिटरमाइन द स्ट्रक्चर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नॉट स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द गिवन गिवन कंपाउंड्स। तो जनरली हम इसको, अगर इसके बारे में लिखना चाहें, तो हमारा काम क्या होता है, पहले कंपोजिशन निकालना और कंपोजिशन निकाल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। तो कैसे इस चीज को समझते हैं, इडियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स? लिखिए, सबसे पहले इट इज ए एप्लीकेशन ऑफ ऑफ मोल। दूसरा पॉइंट, बाय दिस मेथड वी कैन फाइंड द कंपोजिशंस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड और कंपोजिशंस ऑफ सब्सटेंस इन गिवन कंपाउंड, इन गिवन मिक्सचर, इन मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू इस मेथड से निकालते हैं। या कोई कंपाउंड है सी ए एच बी एंड सी एक्स एच वाई, दो कंपाउंड है, तो उसकी हम इंडिविजुअल परसेंटेज निकालते हैं, यानी यहाँ ये एक्स परसेंट है और ये वाई परसेंट है, तो हम फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये इडियोमेट्री का मेन टारगेट होता है कि या तो कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स की कंपोजिशन निकालना, या दो अलग अलग सब्सटेंस दिए मिक्सचर में तो उनकी परसेंटेज निकालना। ये यूडियोमेट्री का मेन टारगेट है। अब बात आती है निकालते कैसे हैं। तो उसके लिए ऑब्वियसली हम एक सेटअप लेते हैं और यूडियोमेट्री सेटअप से हम उन चीजों को निकाल रहे हैं। तो यूडियोमेट्री नाम, इसकी प्रोसेस और इसकी ट्यूब के नाम से यूडियोमेट्री ट्यूब। तो पहले तो ये सेटअप होता कैसा है, आप ये देखिए, ये एक तरह से मान लीजिए ये ट्यूब है पक्का, इसमें दो एंट्री वॉल होते हैं, ये एक वॉल है जिससे आप O2 गैस सप्लाई करते हैं। कौन सी गैस सप्लाई हो रही है? O2। एक और एंट्री वॉल है जिससे आप, अगर ये कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर मिक्सचर है तो मिक्सचर को, तो या तो कंपाउंड और मिक्सचर है तो मिक्सचर को पास करते हैं। तो प्रॉपर वे में ये मिक्सचर या कंपाउंड अंदर जाता है, O2 के साथ मिक्स हो जाता है, और सही समय पे हम इसकी स्पार्किंग करते हैं। तो जब ये पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल। तो जब ये मिक्सिंग हो जाती है अच्छे से, तो हम इसकी स्पार्किंग करते हैं। तो स्पार्किंग होने के साथ ही क्या हो जाएगा, पूरा हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ब्लास्ट होएगा, बर्न होगा, कंब्यूस होगा, जो भी बोलना चाहे। तो ये जो बर्न होगा, तो हमारे पास क्या होगा, इस तरह से हाइड्रोकार्बन की के प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे बहुत सारे, अलग अलग गैसेस प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे। हमारा पहला टारगेट होता है कि इन गैसेस प्रोडक्ट को कूल करना। हमने ठंडा कर दिया,
उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें कूलिंग यानी कोल्ड वाटर सप्लाई कर देंगे इस तरह से, जो इसके चारों तरफ ठंडा पानी भेज रहा है पूरा। तो ये हमारे लिए कोल्ड वाटर सप्लाई है, समझ में आ रहा है, जिससे यहां का टेम्परेचर कितना मेंटेन हो सके, 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब जब इतना कूलिंग कर रहे हैं तो हमारे पास जितने भी लिक्विड सब्सटेंस है जैसे वाटर वगैरह, वो वेपर से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में, सॉरी लिक्विड में, और लिक्विड में होकर नीचे इकट्ठे हो जाएंगे और हम उसको कलेक्ट कर देंगे। फिर हम इसको एक एक करके अलग अलग कंटेनर में से पास करेंगे और एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है? तो जब हम अलग अलग कंटेनर में पास करेंगे तो सबसे पहले तो हमारे लिए कौन सा हो जाएगा लिक्विड, कौन सा इकट्ठा हो जाएगा, H2O, क्योंकि वो ठंडा होते ही किस में चेंज हुआ, 10। तो ये हमारे लिए H2O हो गया। फिर अगले कंटेनर में हम किसको रखेंगे, KOH में को, KOH किसको एब्जॉर्ब करेगा, CO2 को, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के कंबशन से दो प्रोडक्ट तो फिक्स हैं, एक H2 और दूसरा CO2। लेकिन अगर कोई और भी सब्सटेंस लिया जा रहा है तो उसके लिए अलग अलग आपको क्या कहते हैं, अलग अलग एब्जॉर्बेंट की जरूरत होगी। KOH CO2 को एब्जॉर्ब करता है तो बाकी किसको करते हैं वो हमें देखना होगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गई, लेकिन अभी भी एक गैस बच रही है और वो है O2, जो बाहर निकल जाएगी। अगर आप चाहो तो उसको भी किसी ना किसी सब्सटेंस से एब्जॉर्ब करा सकते हो। तो इससे आपको प्रोसेस में हर एक एलिमेंट की क्वांटिटी पता चलती जाएगी, प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा और आगे पता चलेगा, लेकिन अभी तक तो हमने ये सेटअप देख लिया, ठीक है। तो कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी भी है जो यहाँ काम आती है, उस टर्मिनोलॉजी को भी समझना पड़ेगा। तो हेडिंग डलेगा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। जिसमें सबसे पहली वर्ड होती है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है लॉस या फिर डिक्रीमेंट। ये होता है कॉन्ट्रैक्शन का सही मीनिंग, हाँ या ना? तो दूसरा वर्ड हमारा पास आ रहा है कॉन्ट्रैक्शन के बाद, इसी के अंदर होता है रिएक्शन कॉन्ट्रैक्शन, रिएक्शन कॉन्ट्रैक्शन, रिएक्शन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है रिएक्शन के कारण वॉल्यूम में डिक्रीमेंट। इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं रिएक्टेंट वॉल्यूम सिर्फ गैसेस, गैसेस का माइनस प्रोडक्ट वॉल्यूम, और हम सिर्फ गैस का देखते हैं, रिएक्टेंट वॉल्यूम माइनस प्रोडक्ट वॉल्यूम। हम इनिशियल माइनस फाइनल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ कॉन्ट्रेक्शन दिया है, कॉन्ट्रेक्शन अपने आप को लॉस बताता है और लॉस में हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल होता है। थर्ड पॉइंट, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन विद कूलिंग, यानी ठंडा करने पे जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो। तो ऐसी कौन सी चीज थी जो पहले वेपर थी बाद में लिक्विड में चेंज हुई है ठंडा होने के साथ, वाटर। तो जनरली ये शो करता है लिक्विड कन्वर्ट इन वाटर, वेपर कन्वर्ट इन वाटर, वेपर कन्वर्ट इन लिक्विड। तो इसलिए ये जनरली आपको बताता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ H2O। तो ये तीन टर्मिनोलॉजी आपके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर की टर्मिनोलॉजी,
कॉन्ट्रैक्शन विद क्यूएच, कॉन्ट्रैक्शन विद क्यूएच का मतलब हो रहा है क्यूएच से कारण जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो वॉल्यूम लॉस हुआ है वो, तो क्यूएच किसको एब्जॉर्ब करके वॉल्यूम का लॉस करता है, सीओ टू। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा वॉल्यूम ऑफ सीओ टू को बताएगा। ऐसे ही हर एक के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्शन होंगे, कोई किसको एब्जॉर्ब करेगा कोई किसको, वो मैं लिस्ट आपको अलग से बता दूंगा, अभी हम सिर्फ टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। एक होता है एक्सपांशन, एक्सपांशन का मतलब होता है इंक्रीमेंट या प्रॉफिट, तो इंक्रीजेस, यानी इसको हम लेंगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट वॉल्यूम माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट वॉल्यूम, और गैस ही लेंगे, लिक्विड का वॉल्यूम इतना कम होता है गैस के रेस्पेक्ट में कि वो नेक्लिजिबल ही हो जाता है, इसलिए हम वॉल्यूम ऑफ गैस ही लेंगे यहां पर। तो देख लीजिए एक्सपांशन का मतलब होता है प्रॉफिट, और जब भी प्रॉफिट वर्ड आता है हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, और लॉस आता है इनिशियल माइनस फाइनल। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको आइडिया होनी चाहिए। देखिए जब हम ये यूडियोमेट्री ट्यूब को देख चुके हैं और हमें ये भी पता चल चुका है कि कम्बशन होगा रिएक्शन होगी, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और एब्जॉर्बेंट के बारे में हमें लिखना जरूरी हो रहा है। तो पहले तो आप ये देखिएगा यूडियोमेट्री के अंदर कौन सा सब्सटेंस किससे एब्जॉर्ब होता है, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम देखेंगे। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एब्जॉर्बेंट का नाम, और एक तरफ हम लिख रहे हैं वो किस गैस को एब्जॉर्ब करता है, तो हेडिंग डालेंगे सॉल्वेंट और गैस। अगर आप बात करते हैं वाटर, तो वाटर पता है किसको एब्जॉर्ब करता है, H2S, पॉलर गैसेस H2S और SO2, जितनी भी पॉलर गैसेस है उन सबको हमारे वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। दूसरा अमोनिया HCl, ये सब गैसेस वाटर के साथ एब्जॉर्ब हो जाती है कुछ कुछ हद तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है, तो कॉपर सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। थर्ड अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सीयू किसको एब्जॉर्ब करता है, सीओ को। और एक और है हमारे पास KOH, फोर्थ KOH, ये एक बेस है तो ये एसिड को जैसे SO2 CO2 इनको एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है। फिफ्थ अगर हम बात करें तो एक और है हमारे पास टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइल ऑयल बिल्कुल वो जो अपन यूज नहीं करते क्या, कैरोसिन जैसा ही होता है, इसका यूज पेंट्स वगैरह में भी होता है, तो ये ओजोन को एब्जॉर्ब करता है, किसको, ओजोन को। तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग आ रहे हैं। एक और है हमारे पास एल्कलाइन पायरोगैलोल, एल्कलाइन पायरो गैलोर, ये O2 को एब्जॉर्ब करता है। तो प्रॉपर अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कौन किसको एब्जॉर्ब करता है तो आपके लिए सही रहता है इंफॉर्मेशन, हाँ ये इसको करेगा। जैसे मैंने यहाँ KOH को लिखा है तो KOH किसको कर रहा है, CO2 को, तो आपको उसकी क्वांटिटी पता चल जाएगी। हाँ बेटा, किस बेटा, ये जितने भी ऑयल हैं बहुत बड़े हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, जैसे कैरोसिन है, ये सब मिक्सिंग होते हैं बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स के एक ना हो के, ठीक है ना, जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल एक नहीं होगा, ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन, एन हेप्टेन, बहुत सारे
हमारे पास उसका मिक्सचर होगा, ठीक है। तो मैं अब ये यूडियोमेट्री के लिए ये ट्यूब हटा दिया है आपके, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो यूडियोमेट्री में काम आएगी। तो हेडिंग डालेगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को आप कंब्यूज करें, वो कोई भी हो सकता है, CXHY+O2, तो आपका ध्यान रहना चाहिए सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करना, XCO2, कार्बन बैलेंस कर लिया, और कार्बन को CO2 की फॉर्म में ही ऑक्सीडाइज करना है और हाइड्रोजन को H2O की फॉर्म में ऑक्सीडाइज करना है। तो बताओ हाइड्रोजन कितना आएगा यहाँ पर, Y/2, पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन को बैक की तरफ करेंगे, जैसे हमारे पास ट्वाइस एक्स है, ट्वाइस एक्स प्लस Y/2 ऑक्सीजन एटम लेफ्ट में, तो राइट में भी उतने ही एटम होने चाहिए। मैंने 2 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि मुझे O2 मॉलिक्यूल में लाना है। तो फाइनली ये रिएक्शन आपके पास क्या हो जाएगी, CXHY+X+Y/4 O2 XCO2+Y/2 H2O। और अगर यहाँ हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन भी है साथ में, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं समझना, X+Y/4, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस थी वहाँ पर। बस अंतर ये है कि आपको यहाँ पर -Z/2 करना है, क्योंकि कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, कंपाउंड में ऑक्सीजन ऑलरेडी है। तो XCO2+Y/2 H2O, ये आपके पास दो रिएक्शन हो गई बैलेंसिंग, 1 और 2। इसके अलावा CO का ऑक्सीडेशन होगा, CO2 बनेगा। फोर्थ, N2 जनरली ऑक्सीडाइज नहीं होता रूम टेम्परेचर पे, कोई रिएक्शन नहीं है। फिफ्थ, अगर N2 का ज्यादा ज्यादा हम ये बोल सकते हैं कि N2 ट्वाइस N2+3H2 फॉर्म्स ट्वाइस NH3 बना सकता है, वो भी हाई टेम्परेचर पे, वेरी हाई टेम्परेचर। तो N2 जनरली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये बेसिक रिएक्शन है जो आपको आइडिया रहना है। फिर टाइम टू टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे, इनऑर्गेनिक भी पढ़ेंगे, तो भी आपको और अच्छा आइडिया होता चला जाएगा। ये रहा आपका यूडियोमेट्री कॉन्सेप्ट। अब आगे हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, न्यूमेरिकल टाइप ही प्रॉब्लम आती है और न्यूमेरिकल से हमें सॉल्व करना है। हाँ बेटा, फोर्थ वाला, ये N2 का कंबशन नहीं होता, यानी कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है, खत्म, नो रिएक्शन, और नॉर्मल हीटिंग करने पे भी नहीं होता, मैंने रूम टेम्परेचर लिखा है, नॉर्मल हीटिंग पे भी नहीं होगा, वेरी वेरी हाई हीटिंग विद कैटलिस्ट तब हो सकता है। तो रूम टेम्परेचर और नॉर्मल हीटिंग, यहाँ नॉर्मल हीटिंग ही होती है आपके। तो यूडियोमेट्री के अंदर तो N2 रिएक्शन नहीं करेगा आपके लिए। अगर आपने O2 की जगह यूडियोमेट्री में एयर ले ली, तो एयर के अंदर कितना सा होता है, 20%, तो एयर का वॉल्यूम अगर वी है, तो वी मल्टीप्लाई बाय 20/100 O2 होगा, और वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान रखना, बाकी तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके साथ आएंगे, मैं कुछ प्रॉब्लम्स के साथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं 1 by 1। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं यूडियोमेट्री के लिए। फर्स्ट, 10 ml ऑफ ए मिक्सचर ऑफ CO CH4 N2 एक्सप्लोडेड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गेव ए कंट्रैक्शंस ऑफ 6.5 ml, देयर वाज ए फर्दर कंट्रैक्शंस ऑफ 7 ml, देन रेसिड्यू
गैसेस ट्रीटेड विद QOH, वॉल्यूम ऑफ QOH CH4 एंड N2 रिस्पेक्टिवली। मैंने आपको पहले ही बताया था, या तो आपको मिक्सचर होगा या किसी कंपाउंड के बारे में कंपोजिशन निकालना होगा। तो यहाँ एक मिक्सचर दिया हुआ है, कैसे इसको हमें सॉल्व करना है, देखो CO, CH4 और आपको क्या दिया हुआ है N2 गैस, तीन दे रखी है ठीक है, और 10 ml मिक्सचर है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, सोचिए। इसके लिए आपको क्या चाहिए रहेगा, इसके लिए आपको चाहिए रहेगा ये O2। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, CO2। ये किस में चेंज हो जाएगा, CO2 प्लस ट्वाइस H2 O2 के साथ, यस और नो? और ये O2 के साथ कोई रिएक्शन देगा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ क्या आएगा, मान लीजिए X है, यहाँ Y मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 10 - X प्लस Y, क्योंकि हमें बोला गया है टोटल आपके पास कितना है यहाँ पर 10 ml। अब आगे हमें कितना ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है, 6.5 ml। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिएक्शन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट वॉल्यूम माइनस प्रोडक्ट वॉल्यूम। तो अगर आप रिएक्टेंट वॉल्यूम माइनस की जगह रिएक्टेड वॉल्यूम लिखेंगे तो भी बात एक ही है, रिएक्टेड वॉल्यूम, लेकिन यहां क्या होगा, प्रोड्यूस वॉल्यूम। और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, जल्दी बताइए, 6.5 दिया हुआ है ना। तो बताइए रिएक्टेड वॉल्यूम कितना है, इसका एक्स खत्म हो रहा है पक्का, तो बताइए O2 का कितना होगा, X/2, क्योंकि इसका एक्स है तो इसका X/2 दिख ही रहा है, हाफ मोल, तभी तो CO2 बन रहा है। तो एक्स प्लस X/2 माइनस Y और CO2 ट्वाइस H2, दो और दो चार, यानी कि यहाँ 2 O2 आएगा, यस और नो? तो इसका Y कंज्यूम हो रहा है तो इसका कितना होगा, 2Y, तो 2Y, Y प्लस 2Y, ये तो है रिएक्टेड वॉल्यूम। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, माइनस प्रोड्यूस वॉल्यूम। CO2 कितना बनेगा, X, और ये CO2 कितना बन रहा है, यहां पर, यहां बनेगा Y। H2 को हम क्या लिया जाए भाई, H2 के साथ हमारे पास मारा मारी है कि H2 को हम लिक्विड लें या फिर हम वेपर लें, ये हमारे पास है ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार और पढ़ना पड़ेगा कि CH2 को हमें लिक्विड लेना है या वेपर। 10 ml ऑफ मिक्सचर ऑफ CO CH4 एंड N2 एक्सप्लोडेड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गिव अ कॉन्ट्रेक्शन 6.5 वेयर फर्दर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ 7 ml देयर वाज फर्दर व्हेन रेसिड्यूल गैसेस ट्रीटेड विद दिस 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 दिस। अगर कुछ नहीं दिया है कि क्या है, तो हम बाय टेम्परेचर कूलिंग वही 273 लेंगे और Cl3 उस कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये हो जाएगा H2O क्या रहेगा, लिक्विड, कुछ भी नहीं बोला। तो टेम्परेचर वही 273 पे वाटर क्या होता है, लिक्विड। तो अब प्रोड्यूस रिएक्टेड वॉल्यूम, हमारे पास रिएक्टेड वॉल्यूम था X, कहीं हमारे पास रिएक्टेड वॉल्यूम X प्लस X/2 प्लस प्लस आएगा Y एंड 2Y, ये रिएक्टेड वॉल्यूम था। और प्रोड्यूस वॉल्यूम क्या होगा हमारा, X प्लस Y, और ये वैल्यू कितनी है आपके पास, 6.5। तो देखिए हमारे लिए X Y कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा X प्लस 4Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। पहली इक्वेशन तैयार है, हाँ या ना? हमने क्या करा, X और Y क्रॉस कर दिए, X प्लस 4Y और ये 2 जो नीचे LCM है वो हम वहाँ ले गए, तो फर्स्ट इक्वेशन रेडी है। सेकेंड रिएक्शन उसने कहा है CO2 का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ CO2 कैसे बोला है उसने, कॉन्ट्रेक्शन विद QOH, देखो ध्यान से, विद QOH, जब कॉन्ट्रेक्शन विद QOH कर रहे हैं तो CO2 का वॉल्यूम आएगा X प्लस Y, और वो हमें दिया गया है, कितना दिया है, कॉन्ट्रेक्शन विद QOH 7, तो ये हमारे पास 7 है। अब दोनों इक्वेशन से हम क्या वाई को निकाल सकते हैं, हाँ, दोनों इक्वेशन माइनस करो तो आपके पास 3y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 - 7 कितना आएगा, 6, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2, और y की वैल्यू वापस 2 रखती है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4, तो बताइए कंपोजिशन मिल गया, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू, जल्दी से बोलते जाएं, y की वैल्यू 2, कुछ गड़बड़ हो गई,
यहां पर x प्लस वाई 7 है, y की वैल्यू 2 निकाली, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 5, तो ये हमारे लिए 5, 2 और ये बचा कितना 3, तीनों आंसर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इजी है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, उतार लीजिए और जल्दी से सेकंड क्वेश्चन की रीडिंग करिए आप। करें सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे को, ध्यान से सुनिएगा, इस तरफ मैं आपके साथ ही पढ़ रहा हूं। देखिए, व्हेन 100 ml ऑफ O2 एंड ओजोन मिक्सचर वॉज पास थ्रू टर्पेंटाइल, देयर वॉज रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम बाय 20 ml। यानी मेरे पास O2 और ओजोन को मैंने, जो कि मेरे पास कितना है 100 ml है, मैंने किस में से पास किया टर्पेंटाइल। टर्पेंटाइल किसको एब्जॉर्ब करता है, ओजोन को, तो बचेगा क्या O2, और कितना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है 20 ml, सीधा सीधा बता रहा है 20 ml ये है और 80 ml ये है। इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज क्या होगी, समझ में आ रहा है। उसने कहा ना वॉल्यूम रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम, यानी कि ओजोन का वॉल्यूम इज 20, तो 80 और 20। अब उसने फिर क्वेश्चन बनाया, इफ 100 ml ऑफ सच ए मिक्सचर, यानी यही मिक्सचर को जिसमें O2 और ओजोन है 100 ml लिया गया है, 100 ml ऑफ सच ए मिक्सचर हीटेड, व्हाट विल बी इंक्रीजेस इन वॉल्यूम, इंक्रीजेस कितना होगा। तो आप ही बताइए कि जब हीटिंग करोगे तो इसका तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये O2 में चेंज हो जाएगी, तो O2 तो O2 ही रहेगा, ये कितना है 20 ml, बैलेंस करो इसको, यहाँ 2 और 3, तो इसके 2 से 3 बनते हैं, तो 20 से कितने बनेंगे 30 ml, ये तो 80 ml एज इट इज आएगा, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 110 ml। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ डेल्टा वी, पहले 100 था, अब कितना हो गया 110 माइनस 100 बिकम 10 ml, तो 10 ml का आपको फायदा हुआ। व्हाट विल बी इंक्रीजेस इन वॉल्यूम, आंसर गोज टू 10। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आप दोनों को लिखें और अगला क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हम थर्ड का सॉल्यूशन बना रहे हैं। 60 ml ऑफ ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, आराम से करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। 60 ml मिक्सचर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, 60 ml, तो पहले तो नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है N2O, और नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या होता है NO, समझ में आ रही है बात। नाइट्रस और नाइट्रिक, नाइट्रस ऑक्साइड याद है आपको लॉफिंग गैस भी होती है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड वाइज एक्सप्लोडेड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इफ 38 ml ऑफ N2 वाज फॉर्म, तो जब आप एक्सप्लोडेड विद हाइड्रोजन करते हैं तो N2 गैस बनेगी और यहां पर क्या होगा H2O, सही है, और यहां पर भी आप H करेंगे तो N2 गैस प्लस H2O, क्या बैलेंस कर सकते हैं, हाँ N2 हो गया H2 हो गया, बिल्कुल बैलेंस ही है, तो पैदाइशी बैलेंस है। N2 यहाँ आपको क्या बनने का हाफ N2 और ये H2O, बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत आपको, बैलेंस हो गया। इसको आपको टोटल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 60 ml, मान लीजिए ये VML है तो ये कितना हो जाएगा 60 - V, आपको निकालना क्या है V की वैल्यू निकालनी है कुल मिला के। कैसे निकालेंगे, अगर ये V है तो बताइए ये कितना बनेगा N2 V, और अगर ये 60 - V है तो ये कितना बनेगा 60 - V मल्टीप्लाई बाय 1/2, हाफ बनेगा, यस और नो। और आपको ध्यान दीजिए, आपको बोला गया है 38 ml ऑफ N2, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ N2 कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ N2 जो कि आपको दिया है V प्लस 60 - V मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 38। क्या इस इक्वेशन से आप V निकाल सकते हैं, जब आप V निकालते हैं तो आप कंपोजिशन में निकल गए, आपका कोई डाउट नहीं है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन बहुत इजीली हो रहा है, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, फोर्थ पे आते हैं हम, हटा दूं मैं, तो फोर्थ क्वेश्चन को आप एक बार रीडिंग करिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद फोर्थ।
देखते हैं, तो मैं ये हटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हेन ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन वाज ओजोनाइज्ड, ठीक है, इन ए सुइटेबल एपरेटस द वॉल्यूम डिक्रीज बाय 4 ml, ऑन एडिशन ऑफ टेम्परेचर द वॉल्यूम फर्दर डिक्रीजेस बाय 8 ml, टेम्परेचर नहीं, ऑन एडिशन ऑफ टर्पेंटाइन द वॉल्यूम फर्दर डिक्रीजेस बाय 8 ml, ऑल वॉल्यूम आर मेजर्ड इन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, फ्रॉम दिस डाटा एस्टेब्लिश द फॉर्मूला ऑफ ओजोन, हमें ओजोन का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, कैसे करेंगे? हमें ये नहीं मालूम था उस समय इडियोमेट्री से पहले कि ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, हम इसको क्या मानेंगे, ओ एक्स, समझना, ये हमारे पास O2 थी, क्या थी, O2 गैस। तो अलग अलग साइंटिस्टों में अलग अलग मतभेद था, कोई ओजोन O3 लिख रहा था, कोई O4 लिख रहा था, कोई O5 लिख रहा था, तो हमने OX लिख दिया और X की वैल्यू निकालने के लिए बात किया। तो पहली चीज, हमें शुरुआत में क्या दे रखा था, हमने कुछ वॉल्यूम लिया, द वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय दिस सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन वाज ओजोनाइट, तो हमारे को मान लिया हमने ये VML लिया, सर्टेन क्वांटिटी VML, पहले इसको बैलेंस कर लें, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2 बाय एक्स, बैलेंस हो गया 2 बाई एक्स, एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, क्या ये बैलेंस है रिएक्शन, हाँ। अगर आपने वी एम एल ले लिया तो इसका ओजोनाइज करोगे तो वी मल्टीप्लाई बाय 2 बाई एक्स, यही आएगा ml, इसकी वैल्यू कितना दी गई है आपको, 4 ml, नहीं क्या दी गई है, द वॉल्यूम डिक्रीज बाय 4 ml, तो हमें डिक्रीज बाय 4 ml दिया हुआ है, यानी लॉस हमेशा कैसे निकालते हैं, लॉस इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल, तो वी माइनस वी मल्टीप्लाई बाय 2 बाई एक्स की वैल्यू आपको दी गई है 4, और दूसरा है वॉल्यूम ऑफ ओजोन जो कि ओ एक्स है, वो हमें दिया गया है, हमारे पास है 2V बाई एक्स, 2V बाई एक्स, और वो वैल्यू दी गई है हमारे को 8 ml, क्योंकि टर्पेंटाइल ऑयल किसको एब्जॉर्ब करता है, ओजोन को, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से, देखो 2V बाई एक्स की वैल्यू 8 है, तो 8 यहां रखेंगे तो V माइनस 8 की वैल्यू 4, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी से बोलो, फर्स्ट और सेकंड में V की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेशन दोनों को माइनस कर दो, सॉरी ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड कर दिया, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ V, और V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, यानी शुरुआत में 12 था, फिर उसके बाद V की वैल्यू 2V यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये 4 से कटेगा 2 टाइम्स, तो कुल मिला के आपको 3 वैल्यू मिल रही है, ठीक है, और हमें ओजोन का फॉर्मूला क्या मिलेगा इससे, O3, आज हम जानते हैं, लेकिन जब नहीं जानते थे तब ऐसे निकाल सकते थे। इडियोमेट्री में और भी बहुत अच्छे एग्जांपल्स बन सकते हैं, लिखें इसको। फिफ्थ क्वेश्चंस को देखते हैं, सॉल्यूशन फिफ्थ, इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है 10 ml ऑफ अमोनिया वर इनक्लोज इन एन यूडियोमेट्री ट्यूब एंड सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक स्पार्क, द स्पार्क्स वर कंटिन्यू टिल देयर वॉज नो फर्दर इंक्रीजेस इज वॉल्यूम, द वॉल्यूम आफ्टर स्पार्किंग मेजर 20 ml, नाउ 30 ml ऑफ O2 वर एडेड एंड स्पार्किंग वॉज कंटिन्यू अगेन, द न्यू वॉल्यूम देन मेजर्ड 27.5 ml, ऑल वॉल्यूम वर मेजर्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर मतलब टेम्परेचर प्रेशर कॉन्स्टेंट है, वेपर डेंसिटी ऑफ अमोनिया 8.5, कैलकुलेट द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अमोनिया,
हमें नहीं मालूम, हमने मान लिया अमोनिया का मोलर फॉर्मूला सी एन एक्स एच वाई है। क्वेश्चन से ये तो पता चल गया था एन एक्स एच वाई, सही है। तो चलिए इसका मॉलिकुलर वेट कितना होगा, मॉलिकुलर वेट इक्वल टू वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय टू। हाँ या ना, उसने एग्जामिनर ने वेपर डेंसिटी कितनी दी गई है आपको, क्या दिया गया है, 8.5 मल्टीप्लाई बाय टू यानी कितना हुआ 70। अगर अमोनिया को देखते हैं और हमें ये पता चला है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो आप बताओ नाइट्रोजन के कितने एटम हो सकते हैं मिनिमम, एक दो तो हो ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है 14, दो होते ही 28, और नाइट्रोजन होना जरूरी भी है, यानी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी ऑफ एक्स, क्या होगी, ओनली वन। और अगर पॉसिबल वैल्यू वन है तो दूसरी पॉसिबल वैल्यू वाई क्या होगी, ओनली थ्री। हमें इतने डाटास की जरूरत ही नहीं है, तो वन और थ्री हो गया, तो हमारा अमोनिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH3। इसके अलावा कोई और पॉसिबल है क्या, नहीं। तो इतना लंबा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ दो लाइनें ही काफ़ी है, बाकी डाटा से भी कर सकते हो दूसरा मेथड, लेकिन मुझे तो ये अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, एक के अलावा दो हो ही नहीं सकती है, तो हम क्यों दिमाग लगाएं। ठीक है, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। 20 ml ऑफ मिक्सचर ऑफ C2H2 एंड CO वाज एक्सप्लोइटेड, यानी C2H2 और CO को आपने 20 ml है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, VML, और ये कितना हो जाएगा 20 - V। तो जब एक्सप्लोइटेड कर रहे हो विद 30 ml ऑक्सीजन प्लस O2, तो ये क्या बनाएगा, ट्वाइस CO2 प्लस H2O, बैलेंस साथ के साथ मैंने कर दिया, कार्बन फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अब कर रहा हूँ मैं दो दो चार और एक पाँच, तो यहाँ क्या आएगा 5/2 प्लस हाफ O2, ये तो बनेगा ही सिर्फ CO2, ये हमने लिख दिया है, और टोटल वॉल्यूम हमारे पास 30 ml ऑक्सीजन है। द गैसेज आफ्टर द रिएक्शन हैड ए वॉल्यूम 34 ml ट्रीटेड विद QH 8 ml ऑफ ऑक्सीजन रिमेन, कैलकुलेट द कंपोजिशन, आप ही बताइए, ऑन ट्रीटेड विद QH 8 ml ऑक्सीजन रिमेन, तो क्या हमारे लिए कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नहीं मुझे तो नहीं लग रहा, 20 ml मिक्सचर था, तो आप ही बताइए वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना बनेगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना बनेगा, V से कितना बनेगा यहाँ 2V, तो मुझे तो बहुत इजी लग रहा है, एक तो 2V प्लस 2V तो फर्स्ट इक्वेशन में बनेगा और सेकंड में बनेगा 20 - V, तो कितना हुआ ये हमारे लिए 20 + V, दोनों को ऐड कर दिया हमने, कोई डाउट, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ CO2 रहेगा। और एक और है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ CO2, हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, कैसे, हमारे पास था, यहाँ देखिए हमारे पास था 34 ml और उसके बाद ये 8 ml रह गया, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ CO2 होगा 34 - 8, कितना आता है ये वैल्यू, 34 - 8 26, तो इसका से हमें पता चल रहा है V 20 प्लस V की वैल्यू दिस, तो बाय ये सेकंड इक्वेशंस और ये फर्स्ट इक्वेशंस, तो 20 प्लस V की वैल्यू 26, तो V की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 6 ml, तो कंपोजिशन आ गया ये 6 ml और ये 14 ml। हाँ या ना, नेक्स्ट, इज दैट क्लियर, कोई टफ नहीं है, एक बार और समझा रहा है क्या, लिखें इसको, एक काम और करें, पहले ये समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं समझा देता हूं हमारे पास, फिर एक साथ लिख लीजिएगा, 10 ml ऑफ CO इज मिक्स विथ 25 ml एयर, 10 ml ऑफ CO
इज मिक्स विथ 25 ml एयर हैविंग 20% ऑफ बाय वॉल्यूम, व्हाट वॉल्यूम बी द फाइनल वॉल्यूम इफ नन ऑफ CO एंड O2 इज लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जगह की जरूरत भी पड़ेगी. तो हमें 10 ml मिक्सचर ऑफ CO इज मिक्स विद दिस. तो देखो CO हमें दिया गया है और O2 भी दिया गया है, जो दोनों मिलके क्या बना लेंगे CO2, ये हाफ O2. CO कितना दिया हुआ है 10 ml, समझना मेरी बात को, पहले ध्यान से सुनना. 10 ml दिया है, O2 कितना दिया है चाहिए रहेगा, ये 10 ml है तो ये कितना चीरेगा जल्दी से बोलो, 5 ml, क्योंकि उसने कहा है ना तो CO बचना चाहिए ना O2 बचना चाहिए, और क्योंकि एयर ले रहे हो तो N2 कितना होगा आप ही बताइए. एयर लिया जाएगा तो N2 जितना O2 है उससे 4 गुना, क्योंकि N2 है 80%. तो मुझे बहुत अच्छे से लग रहा है कि ये 5 ml है तो N2 कितना होगा, 4 times, यानी कि 20 ml पड़ा रहेगा. अब कंबशन हो गया तो ये 0, ये 0, ये कितना बनेगा 10. तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर एक तो होगा वॉल्यूम ऑफ CO2 और एक होगा वॉल्यूम ऑफ N2. तो 10 प्लस 20 बिकम 30, क्योंकि कंटेनर में N2 भी है और N2 ऑक्सीडाइज नहीं होती, ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया. तो फाइनल वॉल्यूम जो बचेगा लेफ्ट वो रहेगा CO2 का वॉल्यूम और 10. समझ में आ रही है बात, लिखें इसको.